मुल्क भर में ब्रेकडाउन के 12 घंटों बाद बिजली बहाल। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में बिजली आने के बाद शहरियों ने सूख का सांस लिया। हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग के बायस मुल्क का 70% हिस्सा रात को तारीकी में डूब गया था। विफाकी वजीर ब्राय तवानाई उमर अयूब कहते हैं गुडू पावर प्लांट में फॉल्ट आया जिसकी वजह से 10,000 मेगावाट सिस्टम से आउट हो गए। ब्रेकडाउन की वजूहत जानने के लिए इंक्वायरी जारी है। धुंध में कमी होने पर पता चलाया जा सकेगा कि खराबी किस वजह से हुई। ट्रांसमिशन सिस्टम की बेहतरी के लिए हुकूमत ने 39 अरब रुपए खर्च किए। बिजली की फरहमी के निजाम को वक्त के साथ मजीद बेहतर बनाएंगे। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं बिजली का सेक्टर मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिजली के तरसीली निजाम पर हुकूमत तवज्जो दे रही है। बिजली के तरसीली निजाम को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। बिजली के पैदावारी निजाम के बाद सबसे अहम तरसीली निजाम है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने मुल्क भर में बिजली की ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग हुई और एक सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से सिफर पर आई। वजीर अला पंजाब की मामले खसूसे फिरदोस आशिकवान कहती हैं वजीर आजम का पाकिस्तान को रियासत मदीना का रोल मॉडल बनाने का वादा है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की बहाली के लिए इकदाम किए। बिजली की फनी और तकनीकी खराबी के बायस तातील आया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं नाअहली की सजा पूरी पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। पाकिस्तान अंधेरे में डूब रहा है और किसी को मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। वजीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह कहते हैं पहले दिन से कह रहे हैं मुल्क और इदारे चलाना नालायकों का काम नहीं। अब एक और कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी होगी, होगा कुछ नहीं। ना अहल वजीर आजम और वुजरा ने मुल्क को 70 साल पीछे धकेल दिया। पूरे मुल्क में पावर ब्लैक आउट हुक्मरानों की एक और ना अहली है। चीनी गंदम पेट्रोल बहरान के बाद अब एक और बहरान पैदा हो गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं नवाज शरीफ के जाने के बाद तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लग गई है। नवाज शरीफ ने दयामर भाषा डैम की जमीन 120 अरब रुपए में खरीदी। पहली बार पूरा मुल्क 12 घंटे से अंधेरे में डूबा हुआ है। किराए के तर्जुमान मुल्क के मसाइल पर तवज्जा दें तो वो यकीनन हल हो जाएंगे। नालायकों का टोला बिजली भी पाकिस्तानियों को फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जमहूरी दौर में फौजी क्यादत को क्यों निशाना बना रहे हैं। इदारों पर हमले करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। टोट बटोट समझते हैं कि ब्लैकमेल कर लेंगे। पीडीएम चोरों लुटेरों और डाकुओं का टोला। परवेज मुशर्रफ इन दोनों जमातों से बेहतर था मगर एनआरओ देकर गलत किया। बलोचिस्तान की तबाही में सरदारी सिस्टम का किरदार है। सरदार अमीर और बलोचिस्तान के अवाम गरीब रह गए। वजीर आजम का डिजिटल मीडिया से मुंसलिक अफराद से गुफ्तगू। वजीर दाखला शेख रशीद कहते हैं पीडीएम ना इस्तीफा देगी ना इलेक्शन का बायकॉट करेगी। इमरान खान बेहतरीन लीडर साबित हुए। मरियम दूर अंदेशी से काम लेती तो आज ऐसा हाल ना होता। पंजाब में पीपल्स पार्टी का अमल दखल नहीं। वजीर आजम चोरों डाकुओं से मफाहमत नहीं करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत और मुईशत को ठीक करेंगे। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 46 इंसानी जाने निकल गया। अमवात की तादाद 10,604 हो गई। मजीद 2,899 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,02,416 अफराद कोरोना में मुबतला। 4,56,969 अफराद सेहतयाब। 33,474 से रही इलाज।
दुनिया भर में कोरोना से 19,34,000 हलाकतें, 9 करोड़ मरीज, अमेरिका में 3,81,000, ब्राजील में 2,675,000, भारत में 1,51,000, मैक्सिको में 1,33,000, रूस में 61,400, फ्रांस में 76,599 और सऊदी अरब में 6,288 अमवात। टैक्स वसूली के हवाले से अहम पेशरफ, 6 माह की मदद में रिकॉर्ड टैक्स वसूली की गई, जिस पर वजीर आजम ने टैक्स दहिंदगान को खराज तहसीन पेश किया। रवा माली साल 6 माह की मदद में टैक्स की मद में जमा होने वाली रकम 2,205 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है। भारत अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही ना ले सका। कमेटी रुकन मुमालिक ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। भारत इन कमेटियों को पाकिस्तान के खिलाफ अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, रुकन मुमालिक का मौक़िफ़। ज़िमनी इलेक्शन में फौज तैनात करने का फैसला, फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी, पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी होगी, फौज की तैनाती के लिए जल्द हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने और इनकी गैर मुल्की फंडिंग की मॉनिटरिंग का फैसला करते हुए तमाम जमातों से बैरून मुल्क अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। सियासी जमातों के सरबराहान को मरासले अरसाल। लाहौर कचरे का ढेर बन गया जिंदा दिलाने लाहौर, कई रोज से बदबू और ताफुन ज्यादा हवा में सांस लेने पर मजबूर। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर, खुलेआम इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब का कतर के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान, दोहा के लिए पहले परवाज जद्दा और कतर से 11 जनवरी को रवाना होगी, टिकट की बुकिंग भी जारी है। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा समंदर में गिरकर तबाह, हमले के 6 अफराद समेत 62 अफराद तैयारे में सवार थे। बोइंग तैयारे के गिरने की जगह तलाश कर ली गई। बहरिया के गोताखोरों और 10 बहरी जहाजों को साइट पर तैनात कर दिया गया। तैयारा उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही रेडार से गायब हो गया था।